तो मराठा ये ये बहुजनों के अंदर का सबसे बड़ा भाई है संख्या में ज़्यादा है शक्तिशाली समाज रहा है ये हुक्मरान रहे हैं इस महाराष्ट्र के अंदर बल्कि पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश हो ये अटके पार झंडा लगाने वाले मराठा लेकिन आज इनकी हालत ख़राब है आज शतकी कुन भी मराठा आत्महत्या कर रहा है इसमें सब समाज है बहुजन समाज है तो मैं यही कहूँगा कि मराठा आरक्षण को सभी समाज के लोगों ने इसको सहकार्य करके इनका हक देना इनको जरूरी है वरना इस ये जो आग भड़की हुई है कल यही जो छोटी सी चिनगारी है ये वनवा के अंदर रूपांतर हो जाएगी फिर ये सब लोग इसके अंदर भस्मसात हो जाएंगे तो हम नहीं चाहते कि आगे कुछ नुकसान हो जाए ये सीएम को हम आगाह करना चाहते हैं चेतावनी या धमकी नहीं दे रहे हम इनको समझाना चाह रहे कि मराठा आरक्षण के विरोधक दलित आरक्षण के विरोधक सर्व समाज के आरक्षण के विरोधक जो बाहर से आए हुए तीन टक्के मनोवादी जो हैं जो ब्राह्मणवाद जिन्होंने लेके गया है जो मनुस्मृति पे आधारित समाज को बांटने का काम जिन्होंने किया ये मनोवादी विचार सरणी के लोग ही हैं इस आरक्षण के विरोध में इन्होंने तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया आरक्षण ही तोड़ दिया इन्होंने पहला काम तो इन्होंने वहीं कर दिया तो ये करने वाली लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए ये भारतीय नहीं है ये भारत देश से बाहर से आए हुए खैबरखिंड में से आए हुए ये आर्यव्रत को मानने वाले ये मनुवादी लोग जो हैं ब्राह्मणवाद जो है खुद को इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं धार्मिक सत्ता इन्होंने प्रस्थापित किए बहुजनों के ऊपर धर्म कांड पाखंड इसका आधार लेकर के गोर गरीबों को डरा करके आकाश में से ये आएगा उसमें से वो आएगा ये इंद्र देवता आएगा वो देवता आएगा ये देव देवताओं का नाम लेकर के लोगों को डराया गया जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्यभिषेक ये लोग शुद्ध रह करके उसका राज्यभिषेक इन्होंने नहीं किया लेकिन पैसे लेकर के इतने मन वो सोना लेकर के गागा भट्ट यूपी से आकर के यहाँ पे करना पड़ा तो ये जो मानसिकता जो है ये नपुसंक मानसिकता जो महाराष्ट्र के अंदर पुणे के पास से ये जो पैदा हुई है जो इन लोगों को ये जो लोग है यही लोग आरक्षण के विरोधी है ऐसा मेरा पर्सनल मानना है तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के नम्र विनंती कि तीन लोगों को छोड़ करके सर्व भारतीय एकजुट इकट्ठा इस घटना को अपना दैवत मान करके चलने वाला इस भारतवासी जो मूल निवासी है हम सब लोग एक साथ में आकर के छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुजनों का राजा इस महाराष्ट्र के इस भारतवर्ष के पावन भूमि पे होके गया फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा हो के गई छत्रपति शाहू महाराज हो कर के गए तो तमाम बहुजनों को महापुरुषों को नमन करते हुए इनको सलाम करते हुए मुस्लिम समाज भी आज ओ के अंदर चला गया जिसको ज़रूरतें हैं आज तो उनको इस देश का पुत्र ही नहीं मानते इस देश का हकदार नहीं मानते जिन्होंने अपने जान की बलिदान दी उलेमाओं ने जान की बलिदान दी मौलानाओं ने दिया मदरसों में दिया लेकिन इस देश के अंदर सिर्फ़ तीन टक्के लोग सिर्फ तीन टक्के लोग वोट की राजनीति के लिए पोलराइजेशन करते हैं समाज को बांटते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं लेकिन ये गरीब भूखे को अनाज देना नहीं जानते शिक्षा देना के ऊपर बात नहीं करते बेरोजगारी पे बात नहीं करते इस देश की सीमा जो है आज पाकिस्तान अंदर घुस रहा है चाइना अंदर घुस रहा है उसके ऊपर ये लोग बात नहीं करेंगे डिमोनोटाइजेशन के अंदर इस देश को बर्बाद कर दिया नोटबंदी में उसके ऊपर बात नहीं करेंगे लेकिन सत्ता के लिए जाति भेद दमे दंगे करा करके अपनी सत्ता प्राप्त करके फिर से इस देश को गुलामगिरी की तरफ ले जाना चाहते हैं और तीन टक्के मनोवादी ये ब्राह्मण मनोवाद जो है ये आग लगाने वाला है इसको बहुजन समाज ने आज रोकने की जरूरत है यही बोलते हुए मैं संदेश दूंगा कि लोग असली दुश्मन को पहचानो असली दुश्मन कौन है इसका तुमने भूरखा फाड़ देना चाहिए अब इस देश में जितने भी बम ब्लास्ट हो गए इसके अंदर कौन मिला इसमें कर्नल पुरोहित मिला साधवी प्रज्ञा सिंह मिली इसमें वो ठाकुर मिला ये तमाम लोग कहाँ से जुड़े ये सब लोग मानववादी विचारों के लोग हैं सनातन धर्म के लोग हैं यही आग लगाते हैं तो हमको इनसे सावध रहना ज़रूरी है तो आने वाले दिनों में 2019 में भी इस सत्ता भारतवर्ष की ऐसे लोगों के हाथ में जाना चाहिए जो लोग सब समाज को साथ में लेकर के चलने का काम करेंगे जय भीम जय भारत जय जिजाऊ जय शिवराय शिवराय सलाम देखिए अभी जो मराठा आरक्षण के लिए जो बातें हो रही है और इतने बड़े मोर्चे निकल रहे हैं तो इस मराठा आरक्षण के लिए एक जान भी गई हुई है जो काका साहब शिंदे हैं जो मराठा थे एक पढ़ा लिखा लिखा इंसान था और ये आरक्षण ना मिलने की वजह से वो इतना मानसिक संतुलन खो बैठा कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमें अगर कोई नौकरी नहीं मिलती है ढंग का कोई काम नहीं मिलता है तो इस फर्स्टेशन में आकर के उन्होंने अपनी जान गवा दी ताकि ये सरकार को कुछ तो भी असर पड़े सरकार के ऊपर और इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी जान गंवाई अब एक जान गई दूसरा भी उसी तरीके से अगर करने के लिए तैयार हो जाए तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना कि मुख्यमंत्री फडणवीस जी जो है जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो सब ये देख रहे हैं हालात कि आज जनता इतनी प्रक्षोभित हो गई है इतनी गुस्से गुस्से से अपना आरक्षण अपने हक़ के लिए लड़ रही है तो इस आरक्षण के मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूँगी फडणवीस जी से अगर आपसे कोई इस महाराष्ट्र के लिए कोई प्रगति नहीं करना चाहते हैं किसी आरक्षण के बात पर अपना मुद्दा रखना नहीं चाहते उनको न्याय नहीं देना चाहते तो वो अपनी कुर्सी खाली करें, अपना इस्तीफ़ा दे दें ये संभाजी ब्रिगेड की मांग भी रहेगी और जितने भी बहुत सारे जो आमदार बैठे हुए हैं खासदार बन के बैठे हुए हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों अपने लोगों के लिए अपने देश के अपने भारतीय जनता के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो उस पद पे जाकर के बैठने के बाद भी तो आपको कोई हक नहीं है वहाँ पे चेयर पे बैठने का ना ही ये तो आप लोगों को तो जनता ने चुन करके वहाँ पे भेजा हुआ है क्योंकि आप लोग हमें हमारे हकों के लिए कुछ तो भी करेंगे हमें अपना हक दिलाएंगे हमें अच्छा सा जीवन जीने के लिए उत्साहित करेंगे प्रेरित करेंगे नौकरी देंगे द, आ, जो व्यवसाय रहेगा उसके लिए हमें कोई ना कोई मदद हो जाएगी ये जो परिवर्तन होना चाहिए आज की जो राजनीतिक जो बातें चल रही है उसमें क्या हो रहा है सिर्फ अपना जेब भरने का काम हो रहा है ना कि जनता की कोई परवाह की जा रही है ना ही किसी रोजगार रोजगार के लिए सोचा जा रहा है ना नौकरी के लिए सोचा जा रहा है किसी बात की किसी को कोई चिंता नहीं है बस वोट ले लो अपनी कुर्सी पे जाओ बैठो और बस बात ख़त्म मैं सबसे जो जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं आज जनता ने आपको हर बार चुन करके आपको जिता करके दिया हुआ है लेकिन आज कोई भी ना मुख्यमंत्री है ना कोई आमदार है ना कोई खासदार है कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे हक के लिए बात करे हमारे हक़ के लिए लड़े ना ही वो कुर्सी छोड़ता है ना ना ही वो संसद में अपनी आवाज़ उठाता है जनता की तरफ से ऐसे लोगों के लिए जनता ने आगे आने वाले चुनाव में सोचना है कि उनको चुन कर के लाना है या अपने हक़ की लड़ाई लड़नी है हमारी यह हक की लड़ाई है ना जाति की है ना धर्म की है मैं सब लोगों से यह दरख्वास्त करना चाहती हूँ अपने हक़ के लिए लड़ो अपने हक के लिए जागरूक हो जाओ और अपना हक जब तक मिलता नहीं है तब तक हम सब एक होकर के इस राजनीणी लोगों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी है ये मैं सब लोगों से बात कहना चाहती हूँ और संभाजी ब्रिगेड की तरफ से आ, हम लोगों ने जो पाठिंबा दिया हुआ है जो मराठा आरक्षण है धनगर आरक्षण है मुस्लिम आरक्षण है लिंगायत समाज के लिए अलग से अपना धर्म आ, करने के लिए बोला जा रहा है तो उसी के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी कहा था कि मराठों को भी आरक्षण की ज़रूरत है उन्होंने उस वक्त कहा था आज हम देखते हैं कि मराठों का आरक्षण की जरूरत आन पड़ी है ये जो आयोग निकाला गया है ये इन इन इन्होंने अपने लिए निकाला हुआ है ना कि समाज के लिए निकाला हुआ है तो इस आयोग को तो हम मानते ही नहीं हैं पहली बात तो जो आरक्षण मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए लोगों के लिए ये हित का रहेगा और देश के लिए भी हित का रहेगा हर एक को जीने का हक है हर एक को अपना हक मांगने का अधिकार है इस देश में आपको मराठा आरक्षण के, कौन -कौन है? है के विरोध में तो ज्यादातर अभी जो जिनकी सरकार है वो सरकार ही इस मराठा आरक्षण के खिलाफ है मैं सिर्फ मराठा आरक्षण के खिलाफ ही नहीं कहूँगी सभी जो आरक्षण मांग रहे हैं उन सबके खिलाफ है क्योंकि अगर देखा जाए सही में आरक्षण जो गिनती पे होता है कितनी संख्या है आपकी उस बात के ऊपर आरक्षण होता है तो देखा जाए तो आरक्षण में ये लोग कितने कितने परसेंटेज मिलेंगे जो अभी जिनकी सरकार चल रही है मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन सब लोग जानते हैं कि भाजपा सरकार जो चल रही है सब खोखले विश्वासों पे झूठी बातों पे चल रही है हमें दिखाया जा रहा है आम और दिया जा रहा है बबुल का काटा तो इस कांटे को कैसे निकालना है इस कांटे का बंदोबस्त कैसे करना है अब यह जनता ने सोचना है